अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, उनका नाम है रफ़ीक गज़नवी और आप 1907 में पैदा हुए रावलपिंडी में और आप मार्च 1974 में आप फौत हुए। और आपने अपनी फिल्मी ज़िंदगी का आगाज़ बॉम्बे से किया। आप एक्टर थे, आपका आगाज़ एज एक्टर हुआ और उसके बाद आपका इंटरेस्ट म्यूज़िक की तरफ डेवलप हुआ और आपने फिल्मों का म्यूज़िक, आप म्यूज़िक डायरेक्टर बने। पहले आप असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर बने, उसके बाद आप म्यूज़िक डायरेक्टर बन गए। और आपने बेशुमार फिल्मों में एक्टिंग की और बेशुमार फिल्मों में का म्यूज़िक दिया। आपके फिल्में कैरियर का आगाज़ 1930 से होता है बॉम्बे से, और आपने एज एक्टर आगाज़ किया और 1947 में वो एक्टर के बाद आप म्यूज़िशियन बने। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो आप पाकिस्तान लाहौर आ गए और यहाँ पे आपने पाकिस्तानी फिल्म्स का म्यूज़िक दिया और बेशुमार कामयाब फिल्म का म्यूज़िक दिया। उसके बाद आपने रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया और आप 1974 में कराची में फौत हुए। और आपकी शादी फिल्म एक्ट्रेस ज़ारा से हुई, ज़ाहरा से, और उनसे आपकी एक बेटी शाहीना पैदा हुई और शाहीना ने भी फिल्मी कैरियर ज्वाइन किया, फिल्म एक्ट्रेस बनी और उन्होंने पाकिस्तान, इनकी बेटी शाहीना ने पाकिस्तानी मशहूर फिल्म्स बेली में काम किया जो 1950 में बनी और आँख का नशा 1957 में रिलीज़ हुई, भरोसा 1958 में और इंतकाम 1933 में, और इनका एक बेटा भी था मुराद। अब आते हैं इनकी फिल्मी कैरियर की तरफ, जिन जिन फिल्म में इन्होंने काम किया, जिन फिल्म्स का इन्होंने म्यूज़िक दिया। कुछ इनमें वो फिल्म जो इंडिया में बनी, जिनमें इन्होंने काम किया और जिनका इन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया, नजमा 1943 में रिलीज़ हुई, इस फिल्म का म्यूज़िक आपने दिया। लैला मजनू 1931 में रिलीज़ हुई, इसमें आपने काम किया। हीर रांझा 1932 में रिलीज़ हुई, इस पर भी आपने काम किया। उसके अलावा रोशन आरा, इंतकाम, जवानी दीवानी, प्रेम पुजारी, गुलाम डाकू, दो औरतें, सितारा, किस लिए, अपनी नगरिया, चलती दुनिया, डॉटर इन लॉ, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इस फिल्म का म्यूज़िक आपने दिया, म्यूज़िक कंपोज किया। किसी की बीवी, इस फिल्म का भी म्यूज़िक आपने कंपोज किया। पृथ्वी वल्लभ, इस फिल्म का म्यूज़िक आपने कंपोज किया। चल चल रहे नौजवान, इस फिल्म का म्यूज़िक आपने कंपोज किया। और इस फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म का जिक्र अक्सर, अगर आप मंटो की किताबें पढ़ें तो उनका अक्सर उसमें जिक्र आता है। और इस फिल्म के हीरो अशोक कुमार थे। जीनत, इस फिल्म का म्यूज़िक आपने कंपोज किया और इसमें नूर जहाँ हीरोइन थी। लैला मजनू एक दफ़ा फिर बनी 1945 में, मंझधार 1947। फिर उसके बाद आप पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान में आपने परवास फिल्म का म्यूज़िक दिया, मंडी का म्यूज़िक दिया, वार ए ज़माना, इस फिल्म का म्यूज़िक आपने दिया। और उसके बाद आपने फिल्मी दुनिया छोड़ दी और आपने रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया और काफ़ी अरसे तक रेडियो पाकिस्तान से मुतलिक रहे। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्तितम करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया।